फ्रेंड्स, मैं पिंकी, मैं आपको स्वागत करती हूं अबन प्रधान यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसे एक पौधे के बारे में बताने जा रही हूं, जिसमें बहुत सारे रोग का विनाश किया जा सकता है। उस पौधा का नाम है ब्राह्मी। तो दोस्तों, ये सब बताने से पहले मैं आपको जरूर यह कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो दाएं साइड लाल बटन दबाकर घंटी ऑप्शन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो को हम आपके पास पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ब्राह्मी पौधे के बारे में। ये भारत की हर जगह में मिलते हैं। ये आपको किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे और पहाड़ी झरना के किनारे में बड़ा आसानी से मिल जाएगी। इसे बहुत सारे नाम से पुकारी जाती है। इसे ब्राह्मी, कपोतवसा, स्वयंबली, ब्रह्मचारिणी, सौम्य, सूरप्रेष्ठा, मौसधि, स्वयंभवी, ब्रह्मकन्या, मंडुकी, मेधा नाम में परिचित है। और भी बहुत सारे नाम है इसकी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बात करेंगे इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग कैसे करें। कुछ ब्राह्मी के पत्ते को लेकर गाय घी के साथ बर्तन में आग के ऊपर गर्म करने करके खाने से आपके गला से मधुर आवाज आता है। अगर गला बैठ गया हो तो इसी उपाय में गला बैठना दूर होती है। ब्राह्मी पत्ते को जल के साथ पीसकर थोड़ा सा शहद मिला के 7 दिन तक खाली पेट में 2 टाइम सेवन करने पर आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। ब्राह्मी पत्ते को पीसकर उसके रस निचोड़ ले। उस रस के साथ गाय की घी मिलाकर 3-4 दिन तक सेवन करने से पुराने गला बैठना, खांसी, श्वास जख्मा यानी कि टीबी रोग समूल विनाश होती है। किसी घाव के ऊपर ब्राह्मी पत्ते को पीसकर लगा देने से घाव शीघ्र भरकर सूख जाती है। ब्राह्मी पत्ते को पीसकर उसके रस निचोड़कर उसमें थोड़ा सा शहद मिला के 7 दिन तक 7 पान सेवन करने से अपस्मार यानी कि हिस्ट्रिया रोग ठीक होती है। ब्राह्मी रस को बच्चे लोग को अभ्यास करके रोज दिया जाए तो उनके दिमाग बहुत अच्छा चलते है और विद्या बुद्धि आश्चर्य रूप में प्रकट होती है। तो मैं अब यह बताने जा रही हूँ इसी पौधे की तांत्रिक गुण क्या है। यतबार दिन सुबह ब्राह्मी के मूल को लाकर उसमें 7 काली मिर्ची मिलाकर पानी के साथ पीस लीजिए। उस मिश्रण को बालक हो या बालिका, उनको पिलाने से बुद्धिमान और भगवान होता है। ब्राह्मी पौधे को मूल बाह में बनने पर विद्या में दक्ष होती है। शनिवार पुष्या नक्षत्र में ब्राह्मी पौधे को मूल लेकर अपने घर में रखे। स्नान के बाद उस मूल को चंदन घोरने वाले पत्थर में उसे घोर ले। उसे अपने कपाल में तिलक जैसा लगाने से सभी लोग वशीभूत होते हैं। अपने शत्रु लोग से भी यह लाभ होता है। शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र में सुबह में उठकर स्नान करने के बाद ब्राह्मी पौधा के धूप दीप लगाकर निमंत्रित करोगे। उसे लाकर छाए में सुखाकर पीस के चून बनाओगे। उस चून से थोड़ा सा लेकर शहद और गाय की घी मिलाकर ओम नमः अमृत भावाय अमृत कुरकुर स्वाहा इस मंत्र को 108 बार जप करके बहु दिवस तक एक बार सेवन करने से मानव निरोग, बलवान, दीर्घायु, रूपवान, बुद्धिवान, चतुर और मेमोरी पावर वाला होता है। इस व्यक्ति को दर्शन करने पर रोगी के शरीर से भूत, प्रेत, पिशाच और रोग दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे की भलाई के लिए। नमस्कार।